जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्रिंस भाई, अब तो मई का फर्स्ट वीक भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन भर्ती कहाँ है, आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। ये दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। अब दोस्तों, कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई आप तो यहाँ पर डेली वीडियो लेकर आते हैं और यहाँ पर मतलब वो ही बात करते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ये बात वो बात। क्योंकि मुझे पता है ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके माइंड में बस यही बात होती है कि बस कैसे ही एक बार नोटिफिकेशन तो आ जाए, फिर तो तैयारी ऐसी करेंगे। किसी ने गांव में, किसी ने शहर में नहीं की होगी, उनका दोस्तों यही मान होता है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई बिना पानी के हम तैर सकते हैं, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल मेरे दोस्त, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कैसे, जब तक दोस्तों आप पानी में नहीं उतरोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए आपको जो है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब पहले वैकेंसी तो आ जाए तभी तो तैयारी करेंगे ना, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी गलतफहमी। इसलिए आप इस गलतफहमी को दूर करें और यहाँ पर एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है ना, तो इस गलती को सबसे पहले दूर कर दे कि जब अप्लाई होगा तभी से मैं प्रिपरेशन करूंगा। दिमाग में कुछ नहीं आने वाला, रियलिटी बता रहा हूं मैं। पेपर में जाकर रोना पड़ेगा और एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है ये। इसलिए अपना जो टाइम है ना, वो मैनेज करना सीख लीजिए अपना। मुझे पता है कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कितना घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे बाबू सोना से बात करना है, यही नहीं पता है किसी को, तो वो घंटा तैयारी कर रहे हैं। ये रियलिटी है। फिर बोलते हैं हमारा नंबर नहीं आया, मैंने भाई इतनी मेहनत की थी, या सब मेहनत पर पानी फिर गया, अब एक घंटा फिर गया पानी। जब तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि करना क्या है, पूरे दिन में पूरे दिन का शेड्यूल ही नहीं पता है, तो ये तो होना ही था ना। शहर में जाकर चेक कर लीजिएगा, जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो उसे ये नहीं पता होता कि भाई शाम हो गई या दोपहर हो गई या कब दिन निकल आया, कब मैं कब से पढ़ रहा हूँ। वो घंटे में मतलब मोबाइल में नहीं, तो आज मैंने दो घंटे पढ़ लिया, भाई मैंने तो बहुत बड़े तीर मार लिए, ये नहीं होता। एसएससी जीडी निकालना बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, लेकिन उसमें आपका सबसे बड़ा है संघर्ष कि आप उसे कैसे अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, रियलिटी तो यही है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर किताब क्यों लाया खरीद के, क्यों माँ आपको धोखा दे रहा है। घर बैठना फिर आराम से बाबू सोना से बात कर। जब तुझे नहीं पता है कुछ, तो क्यों फालतू में दिमाग खराब किया हो। कुछ लोगों को तो भाई ये भी नहीं पता कितनी हाइट है इसमें, 100 मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई इतनी हाइट है मेरी, मेरे टेंथ में इतने मार्क्स हो रहे हैं कि मेरी मतलब उसमें हाई स्कूल में मेरे ग्रेस मिला हुआ है। कुछ लोग तो बस यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, दुनिया उनसे आगे निकल जाएगी, उनके ये क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। अबे यार, जब आपको पता है जिस फील्ड में आप जा रहे हो, तो उसकी कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कब तक हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का रिप्लाई करते रहेंगे, भर्ती आने वाली है, आपके ये क्वेश्चन खत्म नहीं होने को है। तो ये दोस्तों दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको रियलिटी में है ना, अगर सिलेक्शन लेना है, तो एक बात कुछ लोग मुझसे अब डिबेट करेंगे कि भाई तुमने क्या कर लिया। मुझे पता है यही आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई आप हमें ये बात बता रहे हो तो आपने क्या कर लिया। तो देखिए भाई, दूसरे से पूछने से पहले खुद ये देखना चाहिए कि आप कितने पानी में, क्या पता सामने वाला बंदा आपसे भी ज़्यादा हाईएस्ट हो, ठीक है। यहाँ बोलना हर किसी की बात नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपसे। एक बार अगर आप कैमरे के सामने खड़े हो जाओगे ना, टांग कांप जाएंगी आपकी। तो इसलिए जो आपको नॉलेज दे रहा है ना, वो दोस्तों उसको सुनना चाहिए, क्या ये हम पर आती है या नहीं आती है। तो इसलिए बड़ा बनने की कोशिश ना करें। और एक बात मैं आप सभी से बोलता हूँ, देखिए मैं तो आपके सामने छोटा सा इंसान हूँ और आपका छोटा भाई हूँ, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं देख, आप शकल से आप मेरा देख सकते हैं कि कितनी एज होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक बात जरूर बोलूँगा कि अपना जो टाइम है ना, वो वेस्ट ना करें यार, रियलिटी है। अपने माँ बाप की ओर देखें, वो आपके लिए क्या करने की सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपको किस लिए मतलब यहाँ तक आपके साथ संघर्ष किया है, ठीक है। पैसे की वैल्यू समझे यार, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। जिस दिन आप एक बार अपने माँ बाप की आंखों की तरफ देख लोगे ना कि यार हमारी जो माँ बाप की आंखें लगातार बूढ़ी होती जा रही हैं और हम जो है मूर्खों की तरह देख रहे हैं उनकी तरफ, बस अपना क्या है बाबू सोना से कॉल पर बात हो जाए, अपना तो काम बन जाए, यही है ना बात, रियलिटी। तो ये दोस्तों निकालना पड़ेगा दिमाग से। अब कुछ मेरे पास कमेंट आएंगी कि भाई आप तो ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये फालतू की बकवास नहीं है। इससे ना कम से कम यहाँ पर एक ये समझ लीजिए कि जो युवा है ना, हमारा जो यूथ पीढ़ी है, वो दोस्तों इस दलदल में इस तरह घुस चुका है ना कि इससे निकलना बहुत ज़्यादा कठिन है यार।
पहले तो बोलेगा नहीं बात करेंगे, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू सोना का फ़ोन आया ना तो लाइव क्लास जाए भाड़ में, सब कुछ भाड़ में जाए, लेकिन ठीक फिर तो बाबू सोना याद आती है, फिर नहीं होता कुछ भी। तो इसलिए ना अगर रियलिटी में जॉब चाहिए ना तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अरे यार बहुत टाइम बचा है, रियलिटी बता रहा, बहुत टाइम बचा है इन कामों के लिए, आप सोच भी नहीं पाओगे। एक बार जॉब ले को तो देखो, फिर मजा देखना कितना है, ठीक है। अगर आसमान में बांस की तरह उड़ना है ना तो इन तितलियों का पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये पता है ना। तो ये तो आप सीख जाओ कुछ दिन बाद, अगर आज नहीं सीखे तो ज़िंदगी सिखा देगी। अगर आज भी नहीं सीखे ना तो ज़िंदगी सिखा देगी कि हाँ मतलब रहना कैसे है, जीना कैसे है। या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीखो, बस ये दिमाग में रख लो। और हाँ, मेरे कहने से बहुत सारे लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन जिसको फ़र्क पड़ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ प्रिंस भाई आपकी बातों से हमें फ़र्क पड़ने लगा है, और इन तितलियों का हम पीछा कभी नहीं करेंगे। अगर बात जैसी उड़ान चाहिए ना, SSC GD पेपर निकाल दोगे ना तो दौड़ पता है कैसी है, 5 किलोमीटर की रनिंग है। अगर तितलियों के पीछा करते रह जाओगे ना तो पीछे रह जाओगे। तो इसलिए 6 महीने अपने माइंड में ये सोचें कि कोई तितली नहीं है, बस हमारा तो उड़ान ही बाकी है, अभी उड़ान है और वो भी बाज वाली, कोई छोटी मोटी कौए वाली उड़ान नहीं है, नहीं कबूतर वाली, सिर्फ उड़ान कौन सी है, बाज वाली। क्योंकि जो बाज की तरह उड़ेगा ना वही बॉर्डर बजा कर लड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फौजी बनना है ना तो बाबू सोना को त्याग दीजिए, को भी मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल त्याग दीजिए यार, 6 महीने बोल दीजिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस 6 महीने, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा आपसे, 6 महीने यार। तो इसलिए भाई आपके जो आवेदन है वो मई के 1st वीक से शुरू होने वाले हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी और अब भी बता रहा हूँ। अगर आपको जॉब चाहिए तो इस काम को छोड़ना पड़ेगा, ये आज लिख के ले लीजिए या कल लिख के ले लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़े तो आप ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब मजे ले लीजिए, अब ले लीजिए मजे, बाद में फिर आपको ज़िंदगी आपके साथ मजे लेगी, कोई कैसे भी कर लीजिए। या दोस्तों ज़िंदगी से बोल दीजिए कि ज़िंदगी आज तो हमसे मजे ले ले, फिर कल हम ज़िंदगी में मजे लेंगे, ये भी तो है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, थिंकिंग क्या है आपकी। जिसने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है ना तो उसके अंदर अब भी आग नहीं जली है ना तो फिर तो बेकार हो आप यार, फिर तो बाबू सोना के चक्कर में लगे रहना ना ज़िंदगी भर, और बर्बाद कर देना टाइम को अपने को और अपनी ज़िंदगी को भी, दोनों को एक साथ बर्बाद करके घर में बैठ जाना। और क्या करना है फिर, शादी हो जाएगी, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनसे पूछना भाई आपने हमारे लिए किया है, किया है, फिर वही आपसे सवाल कहेंगे ना कि तुझ पे क्या हुआ, अपने पिताजी से यही बोलेंगे ना बच्चे तुझ पे क्या हुआ, जब तू यहाँ पर है तो हम भी यहीं पर है। तो इसलिए भाई गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन हमेशा गरीब रहना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो ज़िंदगी बदलो यार, लोग इतने आगे पहुँच रहे हैं, तुम कब मूर्खों की तरह ऐसे पड़ो रहोगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। आग जली हो ना, आग सीने में जली हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, धन्यवाद।